थोड़ी देर में इंडिया वेस्ट इंडीज का T20 सेकेंड मैच स्टार्ट होने वाला है। इंडियन टीम पता नहीं कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा, हर मैच में एक नया टीम रहता है। लास्ट मैच में 11th पोजीशन के 4 प्लेयर खेल रहे थे, अब ये हालत हो गया इंडियन टीम का कि वेस्ट इंडीज से भी मैच हारे, सेकेंड वनडे हारा और लास्ट T20 भी हारा। टीम कम्बिनेशन जो एक चीज़ होता है, मतलब ठीक है वी आर नॉट इंटरनेशनल प्लेयर्स, और आप कह सकते हैं कि भाई आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बाहर वाले लोग हैं, पर भाई टीम कम्बिनेशन भी कोई चीज़ होता है। आपको 11 प्लेयर वहाँ चुनना होता है, तो जैसे प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर भी कोई चीज़ होता है। आप ऐसा टीम कैसे बना सकते हैं जिसमें लास्ट के 4 प्लेयर चारों 11th नंबर के प्लेयर, तो वही होगा जैसे ही 5-6 विकेट गिरेगा तो आपको पता है कि हम मैच तो ऐसे ही निकल चुके हैं भाई। तो थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे ना टीम कम्बिनेशन में, और आप इंटरनेशनल क्रिकेटर को मजाक क्यों ले रहे हैं? आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जो सामने वाली टीम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, आप सोच सकते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी भी कम्बिनेशन के साथ आप खेल लीजिए। ये मेरे गली का क्रिकेट तो नहीं ना भाई कि रमेश आया, गणेश आया, मनोहन आया, किसी को भी टीम में रख लेंगे। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है, थोड़ा तो रेस्पेक्ट दीजिए, इस तरह से क्रिकेट थोड़ी खेला जाता है। आप जाके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का लास्ट रेसेस ख़त्म हुआ है, आप देखो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, और इंडियन टीम का मैचेस देखो, इंडिया किस क्वालिटी से क्रिकेट खेलती है। अभी जो भी क्रिकेट के फैंस हैं, जो हम लोग हैं जो एसेस देखते हैं, तो आप समझ सकते हो कि मतलब हर एंगल से कितना मतलब अंतर है जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंडियन टीम के द्वारा दिखाया जाता है और उनके द्वारा दिखाया जाता है। इंडियन टीम का तो आप देखो ना, वेस्ट इंडीज सीरीज गया है, कैसा कैसा कम्बिनेशन ऑफ टीम्स मतलब ये बना के खेल रहे हैं उनके अगेंस्ट, और कोई भी मैच ऐसा नहीं आया मतलब जिसको देख के आपको अच्छा लग रहा हो। सेकेंड वनडे हार गए, लास्ट T20 हार गए, विराट कोहली को लेके जाते हैं मैच में मौका ही नहीं देते हैं। फर्स्ट मैच है विराट कोहली रोहित शर्मा को 6th, 7th, 8th पोजीशन, विराट कोहली उतरे भी नहीं, भाई क्यों ले जाते हैं आप? और अगर आप अपने प्लेयर को प्रैक्टिस नहीं देंगे तो विराट कोहली ऐसा तो नहीं है कि जिस मैच में भी आप उनको मतलब मौका देंगे तो सीधे सेंचुरी मार दें, ऐसा तो है नहीं। तो समझ ही नहीं आता यार, कोच नए कोच आए, आप जानते हैं कौन, इतने बड़े प्लेयर है, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन है फोन पे, पर वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। इंडियन क्रिकेट कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म भी कुछ नहीं कर रही है, उनको लगता है जो नॉर्मल था वो भी नहीं। और आप देख के एकदम बता सकते हैं कि पता नहीं इस टीम को देख के कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। यार आप कितना भी कह लो कि आप रिसोर्सेज में बेस्ट हो, सब कुछ में बेस्ट हो, बेस्ट ऑफ प्लेयर्स हो, लेकिन टीम का जो क्वालिटी है ना उसको देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये टीम सेमीफाइनल में पहुँचने लायक, ये पहुँचने लायक ही टीम नहीं, जितना तो बहुत दूर की चीज़ है। पता नहीं, हम लोग तो बस फैन हैं, देख के दुख पहुँचता है भाई। आप ऐसा कम्बिनेशन ऑफ टीम प्लेयर्स का मतलब कैसे खेल सकते, कैसे फील्ड में उतार सकते हो यार? समझ ही नहीं आता भाई कि कोई प्रॉपर बैटिंग, तो ऑलराउंडर भाई हर मैच में नया प्लेयर, जो आज 1 नंबर पे खेलेगा कल वो 3 नंबर पे खेलेगा, आज जो 1 नंबर पे खेलेगा वो 5 नंबर पे खेलेगा, और जो खेल रहा है उसको आपको देख के पता है कि जब वर्ल्ड कप का मैच आएगा तो इनमें से कोई नहीं खेलेगा। बुरा लग रहा है कि यार मतलब कॉमेडी चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, पता नहीं यार। उसके बाद आप मजबूर हो जाते हो ऐसा कमेंट करने के लिए, जो फैन बहुत डिसअपॉइंटिंग है, अच्छा ही नहीं लगता है। फिर मैच है यार, देखोगे उसी तरह का,